सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आज हमारा लगभग टू लगभग चौथा दिन है और बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज हो चुकी है। अभी नाश्ता करने का टाइम है, सो सबसे पहले हम नाश्ता करेंगे, लेकिन ब्यूटीफुल नज़ारा आप देख लो, कितना प्यारा नज़ारा। गुड मॉर्निंग, बहुत ही प्यारा नज़ारा है, वो ग्लेशियर भी आपको दिख रहा होगा जहाँ पे हम रुके थे। और यहाँ पे हम जो नाश्ता पानी सब कुछ जो है वो कर देंगे। आप अच्छी तरीके से जो लोकेशन है उसको मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो है वो बॉन फायर जो है वो आप कर सकते हो, और अच्छी तरीके से बैठने की जगह है। थोड़ा मेंटेन नहीं है, लेकिन अभी लॉकडाउन का टाइम है इसलिए थोड़ा वो चीज़ रहेगी। बाकी अगर आप देखोगे तो आपको जगह जगह पर अलग अलग टाइप के जो टेंट है वो देखने मिल जाएंगे। और छोटा सा, और हमारी गाड़ी और हमारे सर जी द सलमान खान ऑफ लद्दाख इज रेडी। तो ये डी नुब्रा कैंप नाम देख लेना, वेर वी स्टेड। लुक यहाँ, तो लेह लद्दाख के पांचवें दिन में हमने जर्नी शुरू कर दी है, और हम इस बार जाने वाले हैं पेंगोंग लेक। सो यहाँ पे जो लेक का जो एरिया होता है उसको सो से जाना जाता है, TSO, और पेंगोंग सो जाएंगे हम वाया शोक रिवर। तो शोक रिवर को साथ साथ जाने का है, और यहाँ से ले 125 किलोमीटर है, और हमें यहाँ से जाने का है पेंगोंग लेक, जो ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे का टाइम लगेगा ड्राइविंग में, लेकिन अगर खड़े रहे तो 7 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। बट यहाँ पे आप व्यू देख सकते हो। तो अभी आप जो देख रहे हो वो है सैंड ड्यून्स। पीछे मेरे पीछे कैंटीन है। एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा वाला है, वो है कि यहाँ पे खाने का जो प्रॉब्लम है वो है, क्योंकि यहाँ पे अभी कैंटीन और वो सब बंद है, लेकिन आई होप जल्दी से वो शुरू हो जाए, और जैसे शुरू होता है आप बिंदा से ट्रैवल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तो हमने घर का जो खाना है वो लिया हुआ है और नाश्ता लिया हुआ, जिससे हम नाश्ता करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पानी का जो फ्लो है उसकी वजह से, जो मतलब ये ग्लेशियर का पानी है, इसलिए वजह से जो पानी है वो बहुत ठंडा है, और इस यहाँ पे हवा जो है वो भी बहुत ठंडी चल रही है। और हम जाने वाले हैं 15,000 फीट पे, मतलब कि जो पेंगोंग लेक है वो 15,000 फीट पे है, और 194 किलोमीटर्स लंबा जो लेक है वो ऐसा है कि मतलब जिसका 60% पोर्शन तो इवन चाइना के अंदर है। बहुत मज़ेदार जो स्टोरीज है वो मैं बताऊँगा, और बहुत मज़ेदार इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। लेट्स ड्राइव बैक नाउ, एंड सब लोग वेट कर रहे हैं, तो लेट्स ड्राइव बैक एंड देखते कि आगे हम क्या और कुछ जो नज़ारे हैं वो देख सकते हैं। ये देखो, ये लकड़ा लेके आया बॉन फायर करने के लिए रात को। बहुत बड़े लकड़े हैं, इतने सारे लकड़े जो है हमने इकट्ठे किए हैं। कहाँ गए बाकी के लकड़े, सब पीछे चले गए। सलमान खान ऑफ लद्दाख।
just lonely islands. We still swim, but we can't see land. And so we're on and off and on again. Oh, it's hard to feel it, so we pretend. And then we're off and on and off again. Oh, heaven. फाइनली हम पहुंच चुके हैं पेंगोंग, और ये पेंगोंग के अंदर हमारा स्टे जो है वो आज इस तरीके का रहेगा। वहाँ पे वॉशरूम है, ये बेड है, यहाँ पे वो कॉटेज टाइप लिखा हुआ है। और अगर आप थोड़ा इस साइड आओगे तो ये जो पूरा नज़ारा है वो है पेंगोंग लेक का नज़ारा। बहुत ही प्यारा है, कलर चेंजिंग लेक है। और ये पहाड़ पेंगोंग के, और ये पूरा जो है हम रहने का। अभी हम ब्लैक कॉफ़ी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे मैगी और ब्लैक कॉफ़ी है, तो सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे और फिर थोड़ा फ्रेश होके फिर फोटोग्राफी करेंगे। जो है वो लगा के रखा है इस बेहतरीन वीडियो का। तो आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो 2 लाइक कमेंट एंड शेयर एंड बहुत ही मस्त वाला। थिंक अबाउट मी वन मोर टाइम बिफोर यू गो say I've been feeling this way for far too long.